सो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में जो कि आपको 10,000 रुपए के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो भाई ये एक परफेक्ट टाइम है 10,000 रुपए के अंदर एक अच्छा स्मार्टफोन लेने के लिए। तो भाई इस वीडियो के अंदर जितने भी स्मार्टफोन ऐड किए हैं वो एक परफेक्ट लेवल के स्मार्टफोन हैं। इनमें आपको काफ़ी एंट्री लेवल के फीचर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको 6GB रैम 128GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 7000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसके साथ आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक एंट्री लेवल का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जिससे आप काफ़ी अच्छी गेमिंग कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे आपको जो रैंकिंग स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं, सो गाइस यहाँ पे हमने रैंकिंग वाइज स्मार्टफोन के बारे में बात की है। नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे नंबर 1 तक जाएंगे, जो कि एक बेस्ट स्मार्टफोन है। नंबर 1 पर सुपर डुपर लेवल का स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। तो भाई अगर आपको एक DSLR जैसी कैमरा क्वालिटी वाला स्मार्टफोन चाहिए तो आपको चैनल पर वीडियो देखने को मिल जाएंगी और आई बटन में भी आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि 10,000 रुपये के अंदर आते हैं, तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। बट इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ भाई, दिवाली आने वाली है और फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर आपको सेल स्टार्ट देखने को मिल जाएगी, दोबारा से सेल स्टार्ट होने वाली है। तो कौन से स्मार्टफोन पर आपको कितना डिस्काउंट देखने को मिलेगा, तो इस टॉपिक के ऊपर हम एक न्यू वीडियो बनाने वाले हैं। तो अब आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम भी कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं उन यूजर्स के बारे में जिनको एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन के साथ एक अच्छे फ्यूचर वाला स्मार्टफोन चाहिए। तो आपका जो 5वें नंबर का स्मार्टफोन है वो है सैमसंग गैलेक्सी F12। तो भाई ओवरऑल काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, यहाँ पे आपको डिज़ाइन वगैरह काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। तो इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको मिलती है 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले, जो कि एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ देखने को मिल जाती है। और इसके साथ ही आपको मिल जाता है 90Hz का हाई रिफ्रेश रेट। तो भाई डिस्प्ले की क्वालिटी यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको बैक में क्वाड कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें मेन कैमरा 48MP का है, 5MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का माइक्रो और 2MP का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। भाई इसके बैक कैमरे से आप 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको फ्रंट में 8MP का सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिल जाता है। तो भाई इमेज क्वालिटी के मामले में काफ़ी डिसेंट स्मार्टफोन है। इसके अलावा 6000mAh की बैटरी है, यहाँ पे आपको 15W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो इसके प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है एक्जीनोज का 850 प्रोसेसर। भाई डे टू डे टास्क के लिए काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। यहाँ पे जो एक्जीनोज के प्रोसेसर हैं वो थोड़ी देर गेम करने के बाद हीट होने लग जाते हैं, तो यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, बट नॉर्मल गेमिंग यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो भाई अब इसके अदर फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड V11 पर रन करता है, डुअल सिम स्लॉट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अब इसकी सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको साइड माउंट फिंगरप्रिंट है, फेस अनलॉक का सपोर्ट है, 3.5mm हेडफोन जैक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 4GB रैम 64GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है और इसकी प्राइस यहाँ पे आपको 10,000 रुपए के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन के साथ एक अच्छा कैमरा और एक अच्छी बैटरी चाहिए तो आप इस स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं, काफी अच्छा स्मार्टफोन है। तो गाइस आपका अगला स्मार्टफोन है वो उन यूजर्स के लिए है जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये एक चाइनीज स्मार्टफोन है या फिर एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन है। तो आपका जो 4th नंबर का स्मार्टफोन है वो है Redmi 9 Power। तो भाई यहाँ पे आपको डिजाइन वगैरह काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे 6.53 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले है, जो कि एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको मिल जाता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन। भाई डिस्प्ले की क्वालिटी यहाँ पे आपको काफी डिसेंट देखने को मिल जाती है। इसके अलावा 6000mAh की बैटरी है, जिसके साथ आपको 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ये काफ़ी लंबी बैटरी यहाँ पे आपको मिल जाती है। यहाँ पे आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 662 का प्रोसेसर। तो भाई काफ़ी डिसेंट आप इस स्मार्टफोन से गेमिंग कर सकते हैं प्राइस के अकॉर्डिंग। कैमरे के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बैक में क्वाड कैमरे का सेटअप है, जिसमें मेन कैमरा 48MP का है, 8MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का माइक्रो और 2MP का डेप्थ सेंसर। इसके फ्रंट में आपको 8MP का फ्रंट सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिल जाता है। तो भाई इमेज क्वालिटी के मामले में काफी ज्यादा डिसेंट स्मार्टफोन है, प्राइस के अकॉर्डिंग काफी अच्छी पिक्चर आप इस स्मार्टफोन से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके कैमरे से आप 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30fps पे बैक और फ्रंट से। भाई बात करते हैं इसके अदर फीचर्स के बारे में तो ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड V10 पर रन करता है, डुअल सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है, यानी 2 SIM लगा सकते हैं और 1 SD कार्ड लगा सकते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको साइड माउंट फिंगरप्रिंट मिल जाता है, फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलता है, 3.5mm हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है। तो इसकी रैम और स्टोरेज के बारे में बात करते हैं तो 4GB रैम 64GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है।
तो भाई इस वेरिएंट की प्राइस यहाँ पे आपको 10,000 रुपए देखने को मिल जाती है। तो भाई अगर आपको गेमिंग वगैरह के लिए अच्छा स्मार्टफोन चाहिए 10,000 रुपए के अंदर, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए काफी ज्यादा बेटर रहेगा। काफी ज्यादा लंबी बैटरी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो भाई इसके अलावा यहाँ पे आप पोको M3 को ले सकते हैं, जो कि काफी अच्छा स्मार्टफोन है। यहाँ पे आपको दोनों ही स्मार्टफोन में सेम फीचर देखने को मिल जाते हैं, बट 6GB की रैम देखने को मिल जाती है पोको M3 में, तो ये एक वहाँ पे आपको प्लस पॉइंट देखने को मिल जाता है। तो आप चूज कर सकते हैं आपको 6GB रैम वाला स्मार्टफोन चाहिए या 4GB रैम वाला स्मार्टफोन। तो भाई वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आपका जो अगला स्मार्टफोन है वो उन यूजर्स के लिए है जिनको भाई गेमिंग ही करनी है, बस एक अच्छी बैटरी मिल जाए और एक अच्छा प्रोसेसर मिल जाए। तो आपका जो थर्ड नंबर का स्मार्टफोन है वो है टेक्नो पोवा 2। भाई काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, डिज़ाइन यहाँ पे आपको काफ़ी एंट्री लेवल की देखने को मिल जाती है। इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं, तो 6.95 इंचेस की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि एक पंचोल कटआउट के साथ देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही आपको मिल जाता है नॉर्मल 60Hz का स्मूथ डिस्प्ले। तो डिस्प्ले वगैरह काफ़ी ज़्यादा बिग है, यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी डिस्प्ले मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 7000mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है, जिससे आप 18 वोट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसके कैमरे के बारे में बात कर दें, तो यहाँ पे आपको बैक में क्वाड कैमरे का सेटअप है, जिसमें मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी शूटर कैमरा है। तो भाई इसे आप कैमरे के लिए स्मार्टफोन को ना लें तो ही काफी अच्छा है, क्योंकि जो टेक्नो के स्मार्टफोन है वो कैमरे में ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं होते हैं, तो इसलिए आपको कैमरे के लिए मैं इस स्मार्टफोन को रिकमेंड नहीं करूंगा। तो इसके प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है मीडियाटेक का हेलो G85 प्रोसेसर। भाई काफी अच्छी लेवल की आप इसमें गेमिंग कर सकते हैं, और लॉन्ग टाइम के लिए भी आप इस स्मार्टफोन में गेमिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाता है, 2 SIM और 1 SD कार्ड लगा सकते हैं। इसके अलावा ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड V11 पर रन करता है। तो इसकी सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको रियर फिंगरप्रिंट मिलता है, फेस अनलॉक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो इसकी रैम और स्टोरेज के बारे में बात करते हैं, तो 4GB रैम 64GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। तो भाई इस वेरिएंट की प्राइस यहाँ पे आपको 10,500 रुपये देखने को मिल जाती है, बट अगर आप बैंक वगैरह ऑफर लगाते हैं तो ये स्मार्टफोन आपको ओनली 10,000 रुपये के अंदर पड़ेगा। तो इस वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आपका अगला स्मार्टफोन वो उन यूजर्स के लिए जिनको एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, जिसमें आपको एक अच्छी बैटरी मिल जाए और एक अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल जाए, इसके अलावा अच्छी डिस्प्ले और एक अच्छा कैमरा देखने को मिले। तो आपका जो अगला स्मार्टफोन है वो है इन्फिनिक्स हॉट 10S। अगर आपको ये स्मार्टफोन पसंद नहीं है तो आगे एक और स्मार्टफोन है जो कि आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है। तो इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं, तो 6.82 इंचेस की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ है। इसके साथ ही आपको मिल जाता है 90Hz का स्मूथ डिस्प्ले। तो भाई डिस्प्ले की क्वालिटी यहाँ पे आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। की बैटरी के बारे में बात करते हैं, तो 6000mAh की बैटरी यहाँ पे आपको मिल जाती है। यहाँ पे आपको मिलता है मीडियाटेक का हेलो G85 प्रोसेसर। काफी हैवी डिसेंट गेमिंग आप इस स्मार्टफोन से कर सकते हैं। इसके अलावा इसके कैमरे के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको बैक में ट्रिपल कैमरे का सेटअप है, जिसमें मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी शूटर कैमरा है। वो इसके बैक कैमरे से आप 2K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30fps पे, जो कि एक प्लस पॉइंट है। यहाँ पे आपको कैमरे के अंदर काफी ज्यादा फीचर देखने को मिल जाते हैं, तो ये एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन भी है। तो भाई अभी इसके अदर फीचर्स के बारे में बात करते हैं, तो ट्रिपल कार्ड स्लॉट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, और ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड V11 पर रन करता है। सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको रियर फिंगरप्रिंट मिलता है, फेस अनलॉक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो भाई इसकी रैम और स्टोरेज के बारे में बात करते हैं, तो 4GB रैम 64GB का स्टोरेज मिल जाता है। इसकी प्राइस आपको 9,299 रुपये देखने को मिल जाती है। तो गाइस अगर आपको एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए तो ये स्मार्टफोन आपके लिए काफी ज्यादा परफेक्ट रहेगा। तो गाइस वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आपका जो फर्स्ट नंबर का स्मार्टफोन है वो है मोटोरोला E40, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है। काफी अच्छी यहाँ पे आपको डिजाइन, काफी अच्छे फीचर देखने को मिल जाते हैं। तो इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं, तो 6.5 इंचेस की HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसके साथ आपको 90Hz का स्मूथ डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि एक पंचोल कटआउट के साथ देखने को मिलेगा। तो भाई डिस्प्ले की क्वालिटी में काफी ज्यादा बेटर स्मार्टफोन है। आपको जो पिछले सभी स्मार्टफोन में आपको वॉच ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाता है, बट इस स्मार्टफोन के अंदर आपको पंचोल कटआउट देखने को मिल जाता है। तो भाई डिस्प्ले की क्वालिटी काफी ज्यादा बेटर है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 5000mAh की बैटरी मिल जाती है। इसके साथ आपको 10 वोट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो इसके कैमरे के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको बैक में ट्रिपल कैमरे का सेटअप है, जिसमें मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिल जाता है। तो इमेज क्वालिटी के मामले में काफी ज्यादा डिसेंट स्मार्टफोन है। कुछ सैंपल वगैरह आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो काफी डिसेंट वर्क करता है। इसके बैक कैमरे से आप 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30fps पे। इसके प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको यूनिस्कोर का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है T700,
जो कि काफी अच्छा परफॉर्म करता है। सो गाइस आपका जो मीडियाटेक का हेलो G85 और G80 प्रोसेसर है, ये लमसम आपको सेम परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी इन दोनों प्रोसेसर में। यहाँ पे आपका जो मीडियाटेक के प्रोसेसर है वहाँ पे आपको 2 लाख के अराउंड अंतुतु स्कोर देखने को मिलेगा और इसका भी आपको 2 लाख के अराउंड अंतुतु स्कोर देखने को मिलेगा। तो परफॉर्मेंस के मुकाबले आपको ये दोनों ही प्रोसेसर सेम देखने को मिलेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट वर्क ये स्मार्टफोन आपको करने वाला है। यहाँ पे आप काफ़ी हैवी लेवल की गेमिंग कर सकते हैं। इसके अदर फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड V11 पर रन करता है, जो कि एक क्लीन एंड्रॉयड एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ट्रिपल कार्ड स्लॉट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके रैम और स्टोरेज के बारे में बात करते हैं, 4GB रैम 64GB का स्टोरेज मिल जाता है, जिसमें आपको एक ही वेरियंट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा रियर फिंगरप्रिंट है, फेस अनलॉक का सपोर्ट यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि डिसेंट वर्क करते हैं। इसकी प्राइस के बारे में बात करते हैं तो ये स्मार्टफोन आपको 9,500 रुपए के अंदर देखने को मिलेगा। जल्दी इसी स्मार्टफोन के लिए आपको फ्लिपकार्ट पर सेल देखने को मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं कि किन यूजर्स को कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए। तो भाई इनको एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए, वहाँ पे आप हल्की फुल्की गेमिंग वगैरह करते हैं तो आप सैमसंग के स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको गेमिंग अच्छी करनी है तो आप मोटोरोला E40 के साथ जा सकते हैं, यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा प्रोसेसर और काफ़ी अच्छा कैमरा देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप इन्फिनिक्स हॉट 10 इसके साथ जा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। इसके अलावा आप किसी भी स्मार्टफोन को चूज़ ना करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये तीनों स्मार्टफोन आपको काफ़ी बेहतरीन फीचर देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।